सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से कई मुद्दों पर चर्चा की। सीएम ने कहा कि अब मानसून सक्रिय है, किसान और मजदूर खेत में हैं। विधानसभा सत्र के बाद मौसम को देखते हुए अगला दौरा बनेगा। वहीं ट्रेनों के बंद होने पर केंद्र को हर मोर्चे पर विफल बताया, साथ ही यूपी पुलिस पर अपराधियों को बचाने का आरोप भी लगाया। अगरतला मामले में पूर्व सीएम रमन सिंह के ट्वीट और भाजपा की स्नेह यात्रा पर निशाना साधा। वहीं उदयपुर की घटना पर सीएम भाजपा को घेरते नजर आए। भाग के भेंट मुलाकात कार्यक्रम पूरा हो गया कल मरवाही का भी, तो मैं समझता हूँ कि प्रथम चरण के भेंट मुलाकात कार्यक्रम अब समाप्त। बारिश जैसे भी अभी मानसून सक्रिय है, किसान और मजदूर खेतों पे हैं, तो थोड़ा दिन अब विधानसभा सत्र के बाद इसको मौसम देख के फिर कार्यक्रम अगला बनाया जाएगा। पहले नफरत फैलाओ, उसके बाद स्नेह यात्रा निकालेंगे। नफरत के बीच पहले वो समाज के बीच में भेद डालो, अनुसूचित जाति के बीच में, जनजाति के बीच में और अल्पसंख्यकों के बीच में भेद डालने काम करो, और उसके बाद मतलब देखो जैसे किसी को सहयोग करना है तो पहले समस्या पैदा करो, अपराधियों को बचाने की कोशिश। यूपी पुलिस अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि उसको सहयोग करना था कि ये वोट किसी और मुद्दे पे मांगते हैं और काम कोई दूसरा करते हैं। तो जनता की इस बात को समझना होगा कि ये सरकार जो बैठी हुई केंद्र में, उसको राज चलाना नहीं आता। ट्रेनें वो चला नहीं पा रहे हैं, एयरपोर्ट वो संचालित नहीं कर पा रहे हैं, सार्वजनिक उपक्रम वो संचालित नहीं कर पा रहे हैं, पावर प्लांट को कोयला उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं, किसानों को खाद उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं और नौजवानों को रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। अग्निवीर लाना इसका एक जीता जागता उदाहरण है। तो ये केंद्र सरकार पूरी तरह से आम जनता के कसौटी में ये असफल रही है। अभी जोधपुर में जो घटना घटी, जो मृतक है वो भारतीय जनता पार्टी का, उकसाने वाला वो भारतीय जनता पार्टी का, हत्यारा है वो भारतीय जनता पार्टी का, और देश भर में छत्तीसगढ़ में बंद करा रहे हैं। एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता हमसे गलती हुई। जब तक कि आप में ये साहस नहीं है, आप कुछ भी करिए, उस जनता उसे स्वीकार नहीं करती।